सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। कानपुर में 20 सड़क पर वकील की गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार की बोनट पर गिराकर पीटा। बरेली में एक युवक को 3 लड़कों ने जमकर पीटा। युवक ने कहा, जैसा मेरे साथ किया वैसा भगवान उसके साथ भी करेगा। गाजियाबाद में 11 साल की खुशी का मर्डर, पड़ोसी ने किडनैप कर मांगे 30 लाख रुपए, पिता की डेथ पॉलिसी पर थी नजर। नोएडा में पार्किंग के 20 करोड़ वसूले, ठेकेदार ने प्राधिकरण में रुपए जमा नहीं किए, 30 नवंबर को खत्म हो रहा है पार्किंग ठेका। दोस्त का मर्डर करने वाला कातिल बोला, बदला पूरा हुआ, माँ बाप को घर में घुसकर पीटा था, मैं कुछ नहीं कर सका। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने किया है सुसाइड, घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में मैनहोल में गिरे कुत्ते के बच्चों का रेस्क्यू, जेसीबी से 30 फुट तक कराई जा रही है खुदाई, 5 घंटे बाद 2 को सुरक्षित निकाला। फिरोजाबाद में झगड़े की सूचना पर पहुंचे पुलिस के साथ बदसुलूकी, दबंगों को पकड़ने गए दरोगा के साथ हाथापाई। आगरा के कलेक्ट्रेट में बंदर लूट ले गए सिपाही की शराब, एसपी ऑफिस के बाहर खड़ी थी बाइक, होमगार्ड ने वापस लौटाई। दुधेश्वर महादेव की अगवहनी मेले का डीएम ने किया उद्घाटन, पत्नी के साथ को पूजा अर्चना, कहा फरवरी 2023 में दरोगा महोत्सव। रायबरेली में ट्रक ने कार में मारी है टक्कर, कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ हादसा। इटावा में आवारा जानवर बन रहे हैं परेशानी का सबब, आए दिन हो रहे हादसे सड़कों पर, आवारा पशुओं का रहता है जमावड़ा। आगरा में शोधे ने 11वीं की छात्रा को पीटा, घर पहुंचकर परिजनों ने भी मारपीट, 2 पर मुकदमा दर्ज। एक लाख किसानों को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, अंबेडकर नगर में 1,10,000 किसानों ने नहीं कराए ईकेवाईसी। वाराणसी में डेंगू बनी महामारी, नहीं मिल रहे हैं बेड, वाराणसी में डेंगू के हुए हैं 402 मरीज, अधिकारी बोले 5 दिन में मिल जाएगी मुक्ति। सुखरौली के सीएससी प्रभारी लापता, 3 दिन पहले गोरखपुर जा रहे थे, रास्ते से गायब हुए, साथी बोले कई दिनों से थे तनाव में। हरदोई में हर्ष फायरिंग में किशोरी घायल, हाथ में लगी गोली, बच्चे के जन्म की चल रही थी पार्टी। संभल में जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, चले लाठी डंडे, आधा दर्जन महिला समेत 9 घायल, 13 लोग गिरफ्तार। दो दिन बाद भी अनसुलझा रहा गोपालपुरा हत्याकांड, झांसी में बेटे की हत्या कर पिता को किया था अधमरा। अमरोहा में निजी अस्पताल के कर्मी से लूटपाट और मारपीट, इलाज के लिए कराया गया भर्ती, पुलिस बता रही है आपसी विवाद।
फरुखाबाद में 15,000 का इनामी गिरफ्तार, एक वारंटी भी चढ़ा पुलिस के हफ्ते। इनामी गैंग बनाकर देते थे घटनाओं को अंजाम। उपराष्ट्रपति का लखनऊ आगमन, जगदीप धनखड़ राज्यपाल जस्टिस रहे। अंशुमान सिंह के परिवार में आयोजित शांति पाठ में होंगे शामिल। उन्नाव एसपी ने 3 थानों का किया निरीक्षण, बीघापुर और बरास सगावर परिसर में जगह जगह मिली गंदगी। इटावा के भूसा कारोबारी की चाकू से गोदकर हत्या, शिकोहाबाद में कमरे में मिला शव, 4 दिन से मोबाइल था बंद। आगरा में पीपल के पेड़ पर चढ़ा युवक उतारने के लिए पुलिस को बुलानी पड़ी क्रेन, उतारते समय टहनी टूटी पेड़ से। अमेठी में स्कूल से लौटी छात्रा का टप्पेबाजों ने पार किया मोबाइल, पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले जांच में जुटी। कानपुर में ई बस फिर बनी मौत का काल, एक रिक्शा चालक की ई बस के नीचे दबने से हुई मौत, कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति की हुई थी मौत। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों के कार क्षेत्र में फेरबदल, हृदेश को कठेरिया एडीसीपी अधिसूचना बनाया गया। सरस्ती में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की अस्पताल में मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में इनकम टैक्स भवन की बिल्डिंग में बैठकर 7 बेरोजगार युवाओं को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का फर्जी नियुक्ति पत्र दे रही थी महिला गिरफ्तार। अलीगढ़ में अटल चौक पर होर्डिंग द्वारा अटल प्रतिमा ढकने पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, बोले अटल जी का हो रहा है अपमान। औरैया में किन्नर के घर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, नकदी जेवरात समेत आरोपी को पुलिस ने पकड़ा जेल भेजा। अलीगढ़ के नगला पटवारी प्राथमिक विद्यालय में जर्जर पड़े क्लासरूम की फर्श, कमरों के बाहर पढ़ने को मजबूर है विद्यार्थी। बुलंदशहर में श्रद्धा की निर्मम हत्या को जायज ठहराने वाले सिरफिरे की तलाश शुरू, एसएसपी ने आरोपी की तलाश में कई टीमें को गठित किया। अलीगढ़ में मैरिज रोड पर बरसे आपके युवा विंग, प्रदेश अध्यक्ष बोले राजनीति करना नहीं, राजनीति बदलने आई है आप। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर जारी, ट्रक ने बाइक सवार को मारी है जोरदार टक्कर, दुर्घटना में 2 की दर्दनाक मौत। फरुखाबाद में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद की सराहनीय पहल, जेल से रिहा होने वाले बंदियों को बांटे पौधे। गुना में जमीनी विवाद में तंग आकर युवक ने आत्महत्या करने का किया है प्रयास, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक की जान बचाई। फरुखाबाद में मालगाड़ी पटरी से उतरी चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, 2.25 घंटे कानपुर कासगंज ट्रैक रहा बाधित। गोरखपुर में जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई, 4 एसडीएम सहित 14 अधिकारियों का वेतन रोका। कानपुर में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक, चोरों ने ग्रामीण बैंक के मेन गेट का को तोड़कर हुई है चोरी, जांच में जुटी पुलिस। मऊ में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, ट्रक में पड़ा मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई है आशंका।
प्रतापगढ़ में 5 दिन बीतने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर अधिवक्ताओं ने जमकर किए नारेबाजी। अधिवक्ताओं ने दी है प्रशासन को चेतावनी। रायबरेली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया है खुलासा। ब्लाइंड का नौकर ही निकला कातिल, पुलिस ने 36 घंटे में किया गिरफ्तार। प्रयागराज के पूर्व सांसद माफिया आतिक अहमद के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बेनामी संपत्ति को पुलिस करेगी कुर्क। रायबरेली में जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की लापरवाही, गंदे पानी से स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल। सिद्धार्थनगर में खाद बीज की किल्लत के विरोध में कांग्रेसियों ने निकाला है पैदल मार्च। पैदल मार्च करते हुए तहसील प्रांगण में किया प्रदर्शन। रायबरेली में ठेके पर विकलांग मां को लेकर जा रहे थे बेटे को, अनियंत्रित से चगतार पिकअप मारी टक्कर। टक्कर से विकलांग मां की हुई मौत। सीतापुर सीएससी कसमंडा में राजकीय स्तरीय एनक्रास टीम द्वारा किया गया है मूल्यांकन। कसमंडा परिषद में भी किया गया पौधारोपण। बुलंदशहर में छेड़छाड़ का आरोप, एवीवीपी संघ के छात्रों ने किया हंगामा। कॉलेज में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग। सीतापुर में वार्षिक बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता का हुआ है आयोजन। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा रहे मौजूद। औरैया में कोटा डीलर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ है वायरल। खाद कम देने की बात कहने पर दी है धमकी। बुलंदशहर में देर रात को दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया है गिरफ्तार। दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा था। गोंडा में दबंग प्रधान की दबंगई का वीडियो हुआ है वायरल। सरकारी जमीन को जोत कर किया गया कब्जा, नाराज प्रधान ने रास्ते को किया बंद। बुलंदशहर में पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों की मुठभेड़। मुठभेड़ में इनामी बदमाश सौरभ गुर्जर के घायल अवस्था में गिरफ्तार। कानपुर में शिक्षा के मंदिर में दी जा रही झाड़ू लगाने की ट्रेनिंग। प्राथमिक विद्यालय में मासूम से झाड़ू लगवाने का वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ की साइबर क्राइम सेल और गोमती नगर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पूर्व बसपा सांसद की पत्नी से ठगी करने वाला गिरफ्तार। बुलंदशहर में मृतक बबलू के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर लगाया है जाम। मौके पर सीओ व एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ तैनात। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार ध्वस्तीकरण के कार्रवाई करने पहुंची एलडीए। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया है कार्रवाई का विरोध। रायबरेली में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने कई चोरी की घटनाओं को घटित करने वाले साथी चोरों को किया गिरफ्तार। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे जुन्ना पंडित की रंगदारी, जेल से भेज रहा है कारोबारियों को रंगदारी का लेटर। डॉक्टर से मांगे 10 लाख। मैनपुरी में सीएम योगी की 2 जनसभाएं, संभावित प्रचार प्रसार में जुटी भाजपा। कल बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेंगे प्रदेश अध्यक्ष। सोनभद्र में मनाया गया झंडा दिवस। पुलिस लाइन और थानों में झंडा फहराया गया। गौरवशाली इतिहास की दी जानकारी। हरदोई में रेप के
आरोपियों को आजीवन कारावास, 65,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। महिला के साथ किया था दुष्कर्म। शाहजहांपुर में हत्या के पहले दो वीडियो विवाद में, कभी छत तो कभी सड़क पर लेकर घूमता रहा बंदूक, फिर मारी गोली। बिजनौर जिले भर में मनाया गया झंडा दिवस। एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया संबोधित। पुलिस इतिहास में 23 नवंबर का विशेष महत्व। बहराइच में निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हुई आप। नानपारा और महीपुरवा में आयोजित किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन। पीलीभीत जिला जेल में दो बंदी भिड़े, एक ने दूसरे को गला रेता, हालत गंभीर, सब्जी काटने समय हुआ विवाद। भदोही में कार और ऑटो की टक्कर, सड़क किनारे पलटा ऑटो, 7 लोग घायल, कपड़े की फेरी लगाने जा रहे थे सभी। बहराइच में ड्रिप एरिगेशन की दी गई है जानकारी, सीधे पानी पीने से फसलों की गुणवत्ता में होता है सुधार। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी प्रांगण में पुलिसकर्मियों ने मनाया है झंडा दिवस। सभी पुलिसकर्मियों ने पुलिस ध्वज को दी सलामी। आगरा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 साथी चोरों को किया गिरफ्तार। रायबरेली पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंद्रनगर में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में था फरार। मथुरा में दुकान निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, घटना में 3 मजदूर घायल। लखनऊ दक्षिणी जोन में ड्यूटी से वापस लौट रहे होमगार्ड पर जानलेवा हमला, पीड़ित होमगार्ड सुरेश शुक्ला को आई गंभीर चोटें। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं